नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले और सहारनपुर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की सभी दुकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का जो आदेश जारी किया, उससे बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया था। तमाम राजनीतिक दलों के नेता एक से बढ़कर एक तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अब सभी को जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए जो ऐलान किया है, उससे विपक्ष हैरान रह गया है। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। हम आपको बता दें कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। दूसरी ओर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, एक सीमित प्रशासनिक दिशा निर्देश के कारण इस तरह का असमंजस हुआ था। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने जो भी सांप्रदायिक भ्रम पैदा हुआ था उसे दूर कर दिया है। देखिए, एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कन्फ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा यही ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कन्फ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। देखिए, मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं, और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं, तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या। ये तो देखिए, आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। छोटे ढाबों पर लागू, देखो कुछ लोगों की आदत है कि सेकुलर शेरवानी पे कमनल कारिस्तानी के कारीगर बने, और कुछ लोग एक के बाद एक इसमें एक कॉम्पिटिशन चल गया है कि इस कमनल कारिस्तानी का जो है वो सबसे बड़ा कारीगर कौन है। तो मुझे लगता है कि ये ना तो देश के हित में है और ना ही जिनके लिए कर रहे हैं उनके हित में है। देश में देश की आस्था का सम्मान, श्रद्धा का सम्मान और सभी की आस्था और श्रद्धा का सम्मान, हम इस बात के पक्ष में है कि कोई भी आस्था जो है वो अस्पृश्यता की या इंटॉलरेंस की जो है वो बंधक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कहां इंटॉलरेंस और अस्पृश्यता आ रही है, इसमें तो क्लियरिटी है कि भाई आपकी दुकान है, आप अपने दुकान पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कांवड़ यात्रा के यात्रियों का जो है वो एक श्रद्धा और साथ ही साथ वो एक पवित्रता की उनकी अपनी सोच होती है और उसके साथ वो चलते हैं। मैं खुद कांवड़ यात्रा में गया हूं भैया। वहीं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि यह पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है। वे समाज में भाईचारे की भावना को खराब करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस निर्णय को तत्काल निरस्त करना चाहिए। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने, जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तमाम बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हो या असदुद्दीन ओवैसी, सभी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। ओवैसी ने ये बात तक कही इसको लेकर के कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हिटलर की आत्मा आ गई है योगी जी के लिए। देखिए, ये निश्चित तौर से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ लखनऊ के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, और ये इस तरह से ये काम कर ही रहे हैं। अकबरनगर के जिस तरीके से किया इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे, मैं कल गया था मिलने, रो रहे थे लोग। तो जो व्यक्ति इस तरीके के क्रूर काम कर रहा है, निश्चित मैं समझता हूँ वो आदमी बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही मैं समझता हूँ कि समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।